सनातन धर्म को जड़ से खत्म करने का जो संकल्प लेके ये घमंडिया गठबंधन के लोग चले, उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, आप संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हो, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हो और 140 करोड़ भारतवासियों को भी नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। अगर यही फ्यूचर प्लान, भविष्य का प्लान, रणनीति विपक्ष की है तो मैं यही कह सकता हूँ, इनके पास ना नेता है ना नीति, और नियत में भी खोट है। और ये याद रखें, ना मुगल सनातन को खत्म कर पाए ना अंग्रेज खत्म कर पाए, सनातन है, सनातन था, सनातन रहेगा। और मैं एक बात और आपसे और कहूँ, ये जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इस पे सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी से है कि ये सनातन धर्म का और संविधान का अपमान करने का ठेका ये इंडी अलायंस के लोगों ने क्यों लिया है? और ये इंडी अलायंस क्या इतना दिवालियापन है कि केवल हिंदुओं को गाली निकालकर अपमानित करके ही इनको वोट बटोरने का काम रह गया है? सर, राजस्थान में कांग्रेस सरकार कहती है परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं है, जबकि हजारों की संख्या में भीड़ जुट रही है। आपका क्या अनुभव रहा सर, आज पहली यात्रा है आपकी राजस्थान? देखिए, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिली, कैमरामैन फोकस करो उधर, लोग खड़े ही खड़े थे और जिस यात्रा में कुर्सी तक ना मिल पाए, नीचे भी जमीन पे सब लोग बैठे हों, सारी सड़कें भरी पड़ी हों, वो अपने आप में दिखाता है कि परिवर्तन का मन पक्का राजस्थान में है। गहलूट सरकार से, जो महिलाओं की इज्जत की लूट, पेपर लीक के माध्यम से लूट, खनन की लूट, भ्रष्टाचार की लूट, भूमाफिया की लूट, इज्जत की लूट, इन सब लूट की खुली छूट वो गहलूट की सरकार में जो है उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। और सब ने संकल्प इकट्ठे मिलकर लिया है कि तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। G20 पर भी राजनीति कर रहा है विपक्ष, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि कांग्रेस की एक नेत्री जो बड़े परिवार से आती है, उसने कहा इनका G20, ये कांग्रेस की मानसिकता और दिवालियापन दिखाता है कि भारत को इतना बड़ा अध्यक्षता G20 की मिली और ये गांधी खानदान आज भी देश कुछ करता तो कहता है इनकी G20, लेकिन गांधी परिवार कुछ करे तो उनको लगता है पूरा देश वही करे। ये मानसिकता है, ये आज भी उससे बाहर नहीं निकले, इसलिए जनता ने बाहर बिठाया है। दो बार कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुनने का अवसर मिल पाया, इस बार भी नहीं मिलेगा।